तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाउन क्या होता है। आमतौर पर आपने सारी चीजें इससे पहले भी लगभग पढ़ी होगी, बचपन में रटा होगा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो सिर्फ जो नेमिंग वर्ड ही, इसके साथ साथ किन चीजों को नाउन कह सकते हैं, इसको हम आसानी से पहचान कैसे सकते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इसके डेफिनेशन से इसको कैसे याद करें, तो उसको हम देखते हैं। नाउन जिसको हिंदी में बाबू क्या कहते हैं, संज्ञा। अब हिंदी में पढ़ा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो डेफिनेशन तो हमारे पास होती है, रट लेते हैं, लेकिन रटी रटाई चीजों को हम एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहते हैं जन्नत, तो क्या है, नाउन है या नहीं? मैंने कहा जहन्नम, तो नाउन है या नहीं है? तो कुछ चीजों पर जैसे मैंने कहा कि पूरब, तो नाउन है कि नहीं है? मैंने आपसे कहा कि आप बहुत ईमानदार हो, तो नाउन है कि नहीं है? ईमानदारी नाउन है कि नहीं? बेईमानी, ठीक है। तो अब इसमें से हम पहचानेंगे चीजों को, ठीक है। पहला जो हमारा बाबू है कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वही बात फिर से हो गई, नाउन एक ऐसा शब्द जो इस्तेमाल होता है किसी भी नाम पर। अब वो नाम कैसा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति जैसे मान लीजिए मेरा नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, गांव का नाम, सॉरी गांव का नाम नहीं आएगा, किसी व्यक्ति के नाम की अगर बात करें, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का अगर नाम है तो वो नाउन है। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी, तो उनका भी क्या है, वो नाउन है, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर कौन है, वो भी क्या है, नाउन है, ठीक है। या आपके कोई टीचर है, वो भी क्या है, नाउन है। तो किसी भी पर्सन का नाम बाबू क्या होता है, नाउन होता है। तो फिर प्लेस का किसी भी नाम क्या होता है, जैसे आप किस जगह पर बैठे हुए हैं, महुआ में, तो ये भी क्या है, नाउन है। आप आगे चलकर कभी लखनऊ घूमने गए, वो भी क्या है, नाउन है। आप पढ़ते हैं मिल्लत में, वो जगह कहाँ है, अलीगंज बोढ़ियार में, वो भी क्या है, नाउन है। तो बाबू किसी भी इंसान का नाम है पर्सन का, तो वो भी नाउन है, और किसी भी जगह का नाम है तो वो भी नाउन है, और किसी भी चीज का नाम, जैसे ये पेन है, मार्कर, ये घड़ी हो गई, ये टी शर्ट हो गया, ये पंखा हो गया, ये क्लास हो गई, ये बोर्ड हो गया, सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी क्या है, नाउन है। और अगर बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं, दे कैन बी रिफर्ड एज नेमिंग थिंग, यानी ऐसी चीज जिसका कोई नाम हो रखा जाए वही क्या है, नाउन है। और आसानी समझने के लिए, वेयर आवर सेंस ऑर्गन वर्क्स। अब सेंस ऑर्गन हमारे बाबू कितने होते हैं, 5। जैसे अब पहला जो हमारा सेंस ऑर्गन बाबू होता है वो होता है हमारी आंखें, जो हमारा साइट का ऑर्गन होता है, मतलब चीजों को हम देख सकते हैं। तो आज आप यहाँ बैठे हैं, आपको कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? सबसे पहली चीज क्या देख पा रहे हैं, बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है, नाउन है। किससे लिख रहा हूँ, मार्कर से, क्या है, नाउन है। ये क्या है, माइक है, ये भी क्या है, नाउन है। पहना है टी शर्ट, ये भी क्या है, नाउन है। आप बैठे हैं चेयर पर, वो भी क्या है, नाउन है। यहाँ आप पढ़ने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, नाउन है। अभी अगर लाइट आएगी, ठीक है, तो पंखा चलेगा, वो भी क्या है, नाउन है। ये बल्ब लगा है, नाउन है। मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है, नाउन है। स्टैंड पर लगा है, नाउन है। यानी हमारी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। अगला दूसरा सेंस ऑर्गन हमारा होता है ईयर, यानी कि कान। अब इस कान से आप जितना सुनते हो वो भी क्या है, नाउन है। प्रेजेंट टाइम में आप कुछ सुन पा रहे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, दिखाई दे रहा है कुछ, ठीक है। तो ये आप कान से सुन रहे भी आपकी एक तरह की क्या है, नाउन है, ठीक है। अगला सेंस ऑर्गन बाबू आपका होता है नोज। कुछ स्मेल कर पा रहे हो इस वक्त, स्मेल यहाँ की प्रेजेंट टाइम की नॉर्मल है, ना कुछ अच्छी आ रही ना कुछ बुरी खुशबू आ रही, ठीक है। लेकिन मान लो भी परफ्यूम अगर चलाओ तो खुशबू आएगी, तो वो भी क्या, हम महसूस जो कर सके, ठीक है, वो भी हमारा जो जहां पर हमारा नोज काम कर सके, वो भी क्या है, नाउन है। अगला सेंस ऑर्गन हमारा जुबान है, इससे हम क्या करते हैं, जहर उगलते हैं, वो तो उगलते उगलते, उसके अलावा टेस्ट लेते हैं। जैसे अगर पानी पिया तो पानी में कौन सा टेस्ट मिला, कोई नहीं। पानी वाटर क्या होता है, टेस्टलेस होता है। अभी मान लो अभी समोसा मंगा दिया जाए, कुछ टेस्ट मिलेगा, yes, अभी उसके साथ मिर्चा खाओ तोड़ के टेस्ट मिलेगा, yes, अभी कुछ मीठा खाओ उसके साथ टेस्ट मिलेगा, yes, तो जवान से हमारी जिस चीज का जायका आप ले सके, हमारा सेंस ऑर्गन जवान है, वो भी जहाँ पर काम कर सके, वो क्या है, आपका नाउन है। अगला सेंस ऑर्गन हमारा कौन सा होता है, स्किन। प्रेजेंट टाइम में बैठे गर्मी लग रही है, बहुत कम मात्रा में, ठंडक वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि महीना नवंबर का है, ठीक है। तो उसमें भी लगभग क्या है बाबू, अगर हमको गर्मी लगती तो वो भी हम जो स्किन से अपने महसूस कर पाते हैं, वो भी क्या था, नाउन था। यानी नाउन क्या है, ऐसी चीज जो आंखों से देख सको वो नाउन है, ऐसी चीजों जो कानों से सुन सको वो नाउन है, जो नाक से अपने स्मेल कर सको वो नाउन है, जुबान से जो टेस्ट कर सको वो नाउन है, स्किन से जो फील कर सको वो नाउन है। तो नाउन बेसिकली अच्छा,
जो चीजें आपने देखी वो नाउन थी, तो क्या जिन चीजों को नहीं देखा वो भी नाउन है या नहीं? कैसे? जैसे प्रेजेंट टाइम में मैंने कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं, कहां ईमानदारी बताइए, दिख रहा है कहीं? तो वो भी आपका क्या है? नाउन है। यानी आंखों से जो देखा वो भी नाउन, और आंखों से जो हम नहीं देख पाए आपका हो गया वो भी नाउन। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं? 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो कुछ मेजरमेंट है उसका? गिन सकते हो कि कितने अच्छे हैं? नहीं है ना। ठीक है, आपने कहा मैं प्यासा हूं, तो कितने प्यास हो? गिनो, 1 किलो 2 किलो पाव भर। जैसे मैंने कहा मैं खुश हूं, कितना खुश हूं? 1 किलो 2 किलो 4 किलो 8 किलो। है खुशी का, नाप सकते हो। लेकिन ये चीजें क्या है बाबू? नाउन है। अब ईमानदारी को नहीं देखा जा सकता, खुशी को देखा नहीं जा सकता, आपकी बेईमानी मूर्खता बुद्धिमत्ता को देखा नहीं जा सकता, लेकिन है क्या ये सारी की सारी चीजें बाबू? नाउन है। जहां पर हमारा सेंस ऑर्गन काम कर सके, आंखों से देख सके, कानों से सुन सके, जुबान से जायका ले सके, जो देखा वो भी नाउन और जो नहीं देखा वो भी नाउन। प्रेजेंट टाइम में जितनी भी चीजें सराउंडिंग में आपको दिखी, मैं देखा, बोर्ड देखा, पेन देखा, बल्ब देखा, वायर देखा, रूम देखा, मैट देखा, मोबाइल देखी, होल्डर देखा, पेन देखा, ये सारी चीजें क्या हुई? नाउन है। और जैसे ईमानदारी नहीं दिखी वो भी क्या है? नाउन है। बेईमानी नहीं दिखी वो भी क्या है? नाउन है। तो जो देखा वो भी नाउन, जो नहीं देखा वो भी नाउन। बात करें बाबू अगला, जैसे हमने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम नाउन कैसे हो सकता है? जैसे अमन ने एक नाम लिया अमन, तो ये भी क्या है? नाउन है। और एक नाम ले लिया गोलू, नाम तो है क्योंकि, तो ये भी क्या है बाबू? आपका नाउन है। और जितने भी लोग बैठे इसमें से भी किसी का नाम अगर लिख दिया जाए तो क्या है? नाउन है। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम क्या है? नाउन है। अगला हमने कहा कि टाइटल, टाइटल जैसे मान लिया कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो आपने किसी डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर उसमें क्या होगा? नाउन होगा। मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो टीचर भी क्या है? नाउन है। आपने कहा आप स्टूडेंट हैं, तो वो भी क्या है? नाउन है। लेकिन यानी सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे सामने ही मौजूद है। अगला हमने कह दिया कि जैसे मैं लड़का हूं, आई एम ए बॉय, तो लड़का भी क्या है? नाउन है। जैसे हमने कहा कि वो एक लड़की है, तो वो भी क्या है? नाउन है। ठीक है, यानी लड़का भी नाउन और लड़की भी नाउन, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, जितने भी प्रोफेशन है, ठीक है, उतने भी सारी चीजें क्या है? आपका नाउन है। आपका नाम भी क्या है? नाउन है। मैंने कहा कि मैं 20 साल का हूं, ये भी क्या है? नाउन है। आपने कहा मैं टीनेज में हूं, टीनेज बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है? 13 से लेकर के 19 तक, जैसे कहा कि 13 14 15, तो टीनेज के अंतर्गत सभी लोग लगभग आते हैं, तो वो भी क्या है आपके लिए? नाउन है। आपने कहा मैं 20 साल का हूं, ये भी क्या है? नाउन है। आपने कहा मैं लड़का हूं, ये भी क्या है? नाउन है। आपने कहा मेरा नाम फला, ये भी क्या है? नाउन है। आपने कहा कि आप स्टूडेंट, ये भी क्या है? नाउन है। यानी सारे एग्जांपल्स आपके पास ही मौजूद है। आपके हाथों में पेन है, नाउन है, डायरी है, नाउन है। ठीक है, अगला हमने कह दिया बाबू की, अब आपको ये पता चलेगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक, अगला बात करेंगे कि नाउन किसी भी जगह का नाम भी क्या है? नाउन है। जैसे आप बैठे हैं महुआ में, ये भी क्या है? नाउन है। आपके यहाँ की जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वो क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ भी आपका क्या है? नाउन है। यानी किसी किसी जगह का भी नाम आपका क्या होता है? नाउन होता है। आपने कहा कि मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली भी क्या है? नाउन है। वैसे हिंदी में बाबू दिल्ली और इंग्लिश में दिल्ली करते हैं, ठीक है, दिल्ली। और अगला क्या होता है बाबू? मुंबई। तो मुंबई भी क्या है? नाउन है। किसी भी जगह का, शहर का अगर कोई उसका पर्टिकुलर नाम रखा गया है, आप कहाँ रहते हैं, माना कि कुछ महुआ रहते हैं, क्या है? नाउन है। अलीगंज रहते हैं, नाउन है। बौड़ियार क्या है? नाउन है। ठीक है, उतरौला क्या है? नाउन है। भड़रिया नाउन है। तो जितनी भी चीजें जिसका नाम रखा गया है वो एक क्या है? नाउन है। अगला हमने कह दिया कि जैसे आप बैठे हैं तो दिशाएं कितनी होती हैं? 4 वैसे 10 होती है, 10 पूरी 10 होती है। ठीक है, वो खैर अलग मसला है। अब इसमें बाबू देखेंगे न्यूज शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। न्यूज जैसे अखबार पढ़ते हैं, तो न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यानी जो हमारी दिशाएं चारों हैं, ठीक है, वो भी क्या है? नाउन है। चारों दिशा आपके पास अवेलेबल है, yes, है कि नहीं है? चारों दिशा, वही ये हो गया, चारों आपके अवेलेबल हो गए, तो चारों दिशाएं आपकी बाबू क्या है? नाउन है। अब आपने कभी कभी कहा अच्छा जन्नत किसी ने देखा है? नहीं देखा। जहन्नम? दोनों में से कुछ ना कुछ बात में नसीब हुई, कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, तो जन्नत हमने नहीं देखा, लेकिन वो भी क्या है? नाउन है। अब बेसिकली क्या होता है बाबू? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना जानिए, अब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? नाउन का एक ऐसा प्रकार है जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि मैं जन्नत में जाऊंगा,
तो जन्नत बेसिकली क्या है, सिर्फ हमने अज्यूम ही तो किया है, तसव्वुर किया कि मैं जन्नत में जाऊंगा। बाकी चीजें आपको जैसे धर्म की अकॉर्डिंग बताई जाती है, आपको ये मिलेगा, ये फैसिलिटीज होंगी, आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो जन्नत बेसिकली किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये क्या है, किसी जगह का नाम है। तो ये भी क्या है, नाउन है। जो लोगों ने कहा मलिक मानते जहन्नम है जाके, ठीक है, तो वो भी क्या है, नाउन है। क्योंकि ये क्या है बेसिकली बाबू, एक जगह का नाम है और वो जगह आपने देखा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो देखा वो भी नाउन, और जो देखा नहीं देखा वो भी नाउन। आप यहाँ बैठे हैं महुआ में, ये नाउन है, और हमारे बात पता लगी जो वहां से तू नसीब हुई वो क्या हुई, नाउन हुई। अगला हम बात करें किसी भी थिंग को नाउन कैसे कहेंगे। तो थिंग को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एनिमेट और इनएनिमेट। अब एनिमेट में क्या होता है बाबू, लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे एनिमल। तो जितने भी आपके जानवर होंगे वो क्या है, एक थिंग है आपके, ठीक है। और वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी चीजें हो सकती है। जैसे मैंने कहा मार्करोन जान है, तो ये क्या है, थिंग है। और किसी जानवर की बात करेंगे तो भी क्या है, थिंग है, ठीक है। और हम अपनी बात करेंगे तो हम क्या है, पर्सन है, कि जानवर को पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके जैसे एनिमेट मतलब क्या होता है, एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जितने भी लिविंग चीजें होंगी, ठीक है। कोई मुर्दा जानवर देखा है, होता है कि नहीं होता, होता है लेकिन मरने के बाद होता है, ठीक है। तो आपके बाबू ये लिविंग हो गए। इन एनिमेट में जैसे प्लांट्स, हालांकि प्लांट्स में भी लाइफ होती है कि नहीं होती है, होती है। चलते देखा पेड़ पे, तब देखे चलते देखे वहां से कि आज यहाँ है तो पेड़ उठ के कल वहां चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, भी चार कदम चलकर आगे आ गया, ठीक है। उसमें वो ग्रोथ होते हैं, उसमें कई आपके एक्सेप्शन है, हालांकि जो पेड़ आमतौर पर बात करें, ठीक है, तो वो आपका क्या है, लिविंग है। भले ना बोले, भले तो कल खिलाओ तो बोले जाए पेड़ खाए मेरे साथ, पेड़ पता लगा मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड से बाइक से, तो पेड़ वो लगे 80 की स्पीड से खराब से चलने लगे, ठीक है। वो अगर चला जाए तो हैरान हो जाए, तुरंत मर मरा जाए, ठीक है। तो बाबू हमने जैसे कहा कि अच्छा प्रेजेंट टाइम में बैठे हो, कुछ ख्याल आता है, कुछ पढ़ने ख्याल आता रहा होगा, कुछ घूमने ख्याल आता रहा होगा, कुछ खेलने ख्याल आता रहा होगा, तो आपके ख्याल भी क्या है, नाउन है। जैसे आपने कहा मना कहा था क्रिकेट खेले तो भी क्या है, नाउन है। मना कहा था झगड़ा के लिए तो भी क्या है, नाउन है। लव मना कहा था बढ़िया समझ में आओ तो लव पढ़ ली, वो भी क्या है, नाउन है। तो हमने बाबू कह दिया कौन आइडिया आवत है वो नाउन है, कौन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझे था नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग के तुम इस्तेमाल जाए, ठीक है। जैसे कहूँ कि सी के बाद कहाँ पर सा पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, कैट कहाँ पढ़ेंगे, सेट कहाँ पढ़ेंगे, तो ये क्या है बाबू, एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है। हमने कह दिया फीलिंग, कुछ महसूस कर रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, कुछ को बुरा लग रहा है, कुछ को गुस्सा लग रहा है, तो वो भी क्या है, नाउन है। अगला हमने कह दिया कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या पढ़ने प्रेजेंट टाइम में, इंग्लिश ग्रामर, ला पकड़ के ला इंग्लिश ग्रामर कहाँ, तो सब्जेक्ट भी क्या है आपका, नाउन है। कौन सा नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अब तो कहा बोल सर जी तो ग्रामर हुए, तो ग्रामर ना हुए, ये लेटर हुए, तुम्हें दिखा दिन ग्रामर ना दिखाते हैं, किसी भी बेकार अक्षरवा दिखाते नहीं का, ये बेसिकली क्या है, लेटर आपको ये बुक है तो क्या ग्रामर है। हमने कह दिया क्या पर्सन है तो ग्रामर है, नाउन है तो क्या ग्रामर है। ये तो सिर्फ आपको जो दिख रहा है वो आपका सिर्फ क्या है, आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आपको नाउन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अबस्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या करते हैं, कितने भी आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस, ठीक है, उर्दू, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, वो सब्जेक्ट आप कहते होंगे सर जी उर्दू बुक लाई तो उर्दू या दिखाई हो, तो उन लेटर वाला दिखा दो, उर्दू ना दिखा। अब मैथ के लाए तो हमें मैथ के सवाल दिखते हैं, मैथमेटिक्स आपका कभी भी दिखता नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में चीजें आपकी अल्फाज दिखते हैं, आपको इंग्लिश कहीं भी दिखता नहीं है। तो कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का हो वो आपका क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, उसको आप देख नहीं सकते। आपका तो बताओ कहाँ, तो आप जो पकड़ोगे वो आपका बुक होगा, वो ग्रामर नहीं होगा। आप उर्दू लिखोगे तो उर्दू लिखा, तो उर्दू लिखे से उर्दू नहीं हो, तो पकड़े बताओ कहाँ उर्दू है, कई किलो उर्दू है, कितना उर्दू है, ठीक है। अगला हमने कह दिया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपका क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन की टाइम से पढ़ेंगे तो चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएगी, प्याला बिना देखिए, ठीक है। अब यहाँ कह सकते हैं एंगर, जैसे मान लो कि गुस्सा हो ही, तो भी क्या है, नाउन है। यानी कह सकते हैं आपके जो क्या नाम है, अबस्ट्रैक्ट जो होते हैं वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कब लिया तो यह नाउन है, ठीक है, ये है नाउन, ठीक है, लेकिन ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम देख नहीं सकते। देखते हैं आप महज, ठीक है, उसके अल्फाज को, लेटर्स को देखते हैं, इसके अलावा चीजें दिखाई नहीं देती है। अगला बाबू अब बात करें, अच्छा नाउन क्या है, जितने भी चीजों को आप देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। यही बैठ जाओ या जहां कहीं भी बैठो वहां के आसपास की चीजें देख लो, जितनी चीजें तो देख पा रहे हो नाउन है। अच्छा जन्नत क्यों नहीं देखो, लेकिन वो भी क्या है, नाउन है, लेकिन वो अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अबस्ट्रैक्ट क्या होता है बाद में देखेंगे। पहला अगर बाबू टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन के, तो पहला नाउन आपका क्या होता है, कॉमन होता है।
अब कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग इन जनरल, यानी कहते हैं कॉमन नाउन, यानी ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं जो किसी भी लोग या किसी भी चीज का नाम कैसा होता है जनरल टर्म्स में होता है। जनरल टर्म्स मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका कभी जन्म हुआ तो क्या होगा, मतलब एक लड़के का जन्म हुआ है, आज का आपका कुछ नाम रखा गया कि नहीं रखा गया, कि हे हो गए के बोला हे यहाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, जब भी किसी का जन्म होता है तो वो कॉमन होता है, बाद में जब दो चार दस दिन बाद नाम रखे जाता है, ठीक है, पूरा जगह मसौरा करने के बाद नानी अलग बताई है, खाला अलग बताई, भैया अलग बताई है, अब्बा अलग बताई है, तो गांव भर मिलकर नाम रखा है, ठीक है। तो जब आपका जन्म हुआ तो आप कॉमन हो, यानी जन्म हुआ तो लड़का लड़की जो भी नाम आपका वो कॉमन है, लेकिन बाद में जब आपका नाम रख दिया गया बाबू तो वो क्या हो जाता है, आपका प्रॉपर हो जाता है। जैसे कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन का जो जनरल टर्म्स में आपको नाम दिया जाता है वही क्या है, कॉमन है। और आसानी से भी थोड़ी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, जैसे हमने कहा आई हैव अ थिंग, मेरे पास एक चीज है, कौन सी चीज पता है, कुछ पता है नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन है। जैसे मैंने कहा आई वेंट टू सिटी, मैं शहर गया था, कौन से शहर गया था, कुछ पता है तो पता। अच्छा मैं कहूं आई वेंट टू लखनऊ सिटी, तब आपका ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू सिटी, मैं शहर गया था, तो आपका ये क्या है, कॉमन नाउन है। और देखिएगा मैंने कॉल्ड द टीचर, कि टीचर को बुला लाओ, किसको बुलाओ, कुछ पता है नहीं है। हमने कहा कि गिव मी अ बुक, लाओ तो किताब दे दो, कौन किताब दे, इतनी सारी किताबें पढ़ी कौन सा किताब दे दो भाई, कुछ पता है नहीं है। अब मैं कहूँ कि गिव मी द बुक ऑफ मैथमेटिक्स, की मैथमेटिक्स की किताब दे दो, तब आपको पता चलेगा कि मैथ की किताबें मांगी जा रही है। मैंने कहा गिव मी अ पेन, तो आपसे पेन मांगू तो कौन सा पेन देंगे, कोई सा भी पेन लाकर दे देंगे, ठीक है। हमने कह दिया जैसे कि हमने एक कार लाई, तो कौन सी कार लाई, कुछ पता है, स्विफ्ट लाया कि एक्सेंट लाया कि बीएमडब्ल्यू लाया, कोई पता है नहीं। हमने कह दिया कि बुक, तो यहाँ आपका क्या है बाबू, कॉमन है। हमने कह दिया टाउन गया था, या मैं विलेज गया था, तो कौन से विलेज गया था, कुछ पता है, तो ये कॉमन है। हमने कह दिया सिटी, तो ये भी क्या है आपका बाबू, कॉमन है। अच्छा ये जगह अगर बोलो नाम रख दी तो कहाँ हो जाए, प्रॉपर होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं दिल्ली गया, तो ये आपका क्या है, प्रॉपर है। मैंने कहा लखनऊ गया था, तो प्रॉपर है। जैसे मैं कहूँ मैं कॉलेज गया, तो कौन से कॉलेज भाई, कुछ पता है। और नाम ले लीजिए, माना कि एमएलके गया, तो क्या है आपका, प्रॉपर हो गया। हमने कहा मैं स्कूल गया, तो कौन से स्कूल, मिल्लत गया कि जेवी गया कि जिगरा गया कि स्कॉलर गया, कोई पता नहीं है, ठीक है। हमने बाद में कह दिया वो लड़की है, कौन लड़की, जैसे मैंने कहा कि लड़की अच्छा गाती, कौन सी लड़की अच्छा गाती, कुछ पता है नहीं है। हमने कह दिया कि टीचर को बुलाओ, कौन से टीचर, कुछ पता है नहीं है। हमने कहा कि वो मेरा स्टूडेंट है, कौन मेरा स्टूडेंट है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, कोई पता है नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, कोई पता इसमें नहीं है। हमने कह दिया क्लास, कौन सी क्लास, जैसे मैं क्लास लेने गया था, तो किस क्लास में गया था, मैं पढ़ाने गया था क्लास में, किसकी क्लास में पढ़ाने गया, तो कोई पता नहीं है। तो कुल मिलाकर बाबू और एग्जांपल्स देखें, तो हमने कहा ब्रिज पुल, तो कौन पुल, कोई पता है। हमने कहा कलम, कौन सी कलम, कुछ नहीं पता। हमने कहा पेंसिल, कौन सी पेंसिल, कुछ नहीं पता। हमने कहा जैसे नटराज की पेंसिल, अब सरक पेंसिल, तब आपको वहां पर डेफिनेट हो गया। हमने कहा पेंसिल दे दो, चाहे जो पेंसिल आप उठा कर लाकर दे देंगे। हमने कहा मोबाइल, कौन सी मोबाइल, और हमने कह दिया वीवो, तो आपका डेफिनेट होगा कि किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। हमने कहा जैसे मैं आपसे कहूँ कन्या तो मोबाइल है, तो कौन मोबाइल है, कुछ पता लगता है नहीं पता, ठीक है। हमने कहा कि मैं बाइक से आया हूँ, तो कौन सी बाइक से आया, जब पहले से देखो वो जगह पता हुए, और जो ना देखो वो जगह वो पता ना। जैसे आप कहो कि ब्याह में मैं मोटरसाइकिल मिला, तो कौन मोटरसाइकिल मिला, मतलब तुम तो जान मिली, तो अगर बाइक मिला बाबू हाँ, तो बुलेटो निशाना का, तो बाइक में क्या है बाबू, कि हमने कहा बाइक तो क्या है आपका, कॉमन नाउन है, आपको पता नहीं है। हमने कहा कि बल्ब ले आओ, कौन सी बल्ब, एलईडी ले आओ कि जले वाला ले आओ कि जो दिवाली में लगाया जाता है कलरफुल हो गया ले आओ, कौन पता नहीं, तो बल्ब आपका क्या है, कॉमन है। हमने कहा कि लायर, कौन लायर, वो लायर क्या हो सकती है, आपकी मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। हमने कहा इंजीनियर, तो कौन सा इंजीनियर, सब तो इंजीनियर है भाई, जितने इंजीनियर है सब इंजीनियर है, तो कौन सा बता, किसी इंजीनियर की बात कर रहे। हमने कहा कि लायर, हमने कहा बल्ब, बाइक, बाइक तो सबकी तो बाइक एक ही बाइक है, यानी आप भी अपनी बाइक को बाइक कहते हो, मैं भी अपनी बाइक को बाइक कहता हूँ, ठीक है। आप भी अपने घर को घर कहते हो, मैं भी अपने घर को घर कहता हूँ। आप अपनी मोबाइल को मोबाइल कहते हो, मैं भी अपने मोबाइल को मोबाइल कहता हूँ। आपके अब्बू आपको बेटा बुलाते हैं और सबके अब्बू सबको बेटा बुलाते हैं, तो कहाँ हुआ वहाँ, कुछ प्रॉपर दिख रहा है, वो सारी चीजें क्या है, कॉमन है। आप खाने को खाना कहते हो, मैं भी खाने को खाना कहता हूँ, तो क्या है आपका वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसको जनरल टर्म्स में बाबू इस्तेमाल करते हैं, यानी जब नाम ना जाता है कोई चीज के, तो वो काम होते हैं कॉमन।
अगला बात करें जैसे, और एक चीज और ध्यान रखें, कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। अगर वो शुरुआत में, अगर उस सेंटेंस का शुरुआत उससे हुआ है कॉमन नाउन से, तब उसका हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। जिसमें लिखा है कॉमन नाउन आर कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन दे स्टार्ट अ सेंटेंस, यानी कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में तभी लिखेंगे जब उससे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हुई होगी। जैसे हमने कहा आई हैव अ कैट, तो यहाँ आई तो आपका कैपिटल होगा ही। अब हमने यहाँ पर सी को कैपिटल बना दिया, काहे भैया कौन सी बिल्ली, भाई बिल्ली तू बिल्ली का तो हम बिल्ली कहते, सब बिल्ली का था अगर बिल्ली का था। अच्छा अगर पाल्यो कौन मिला कर किट्टी धराई होता तो वहां पर आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं। तो सबने कहा कैट तो हमने भी कहा कैट, यानी गहुआ भर जब कैट बोला होता तो प्रॉपर ना ये काम है कॉमन है, ठीक है। तो आपका यहाँ अभी ये सेंटेंस आपका गलत है। अगला आई हैव अ कैट, तो कैट में क्या है आपका सी यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। हमने कहा कि बुक इज रेड, यानी जो किताब है वो लाल है, तो बुक हमारा क्या है बुक, क्योंकि स्टार्ट की अच्छा बुक क्या है कॉमन नाउन है भाई, सबकी किताब, आप भी अपनी किताब को किताब कहते, मैं भी अपनी किताब को किताब कहता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा माई बुक इज रेड, कि मेरी जो बुक है वो लाल है, तो यहाँ कैपिटल लेटर लिखने कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, कौन से मंदिर गया कुछ लता पता नहीं है, तो फालतू में कैपिटल लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा उस मंदिर का कोई नाम रख दो, जैसे मैं कहूँ मैं अयोध्या गया, तो अयोध्या का जो ए रहेगा वो कैपिटल होगा, आई वेंट टू टेम्पल, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है क्योंकि इसमें जो टी है आपका स्मॉल है। अगला है आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल, यानी स्वर्ण मंदिर में मैं गया था, तो गोल्डन टेम्पल किसी नाम है कि नहीं, ठीक है। तो जब आप किसी भी बाबू जटली चीज की बात करोगे तो वहां पर क्या लगेगा आपका कैपिटल होगा, अदरवाइज कैपिटल लेटर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर उससे सेंटेंस का शुरुआत हुआ तभी उसको कैपिटल लेटर कहेंगे, अदरवाइज उसको कैपिटल लेटर कभी भी नहीं कहेंगे। इतना क्लियर है। जैसे आपका जन्म हुआ तो आप जिस मान लो किसी गाँव में लड़का पैदा हुआ तो क्या है वो कॉमन है, और बाद में उस लड़के का नाम और बाद में चलकर गोलू पड़ गया तो क्या है आपका वो प्रॉपर हो गया। मैंने कहा मेरे पास एक चीज है तो क्या चीज है आपको पता नहीं है। मैंने कहा मैं स्कूल गया कौन से स्कूल गया पता नहीं है। आपने कहा मैं घूमने गया कहाँ गया कोई पता नहीं है। आपने कहा मैं बाइक लाया कौन सी बाइक लाया आपको पता नहीं। आपने कहा मैंने खाना खाया कौन सा खाना खाया आपको पता नहीं है। तो जो चीज के नाम ना रखाया गया हो, जो चीज का सब बुलाओ तो उनसे तुम बुलाओ तो वे क्या हो गया कॉमन हो गया।